आरबीआई की तरफ से सभी लोन ईएमआई वालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा। अब 75% डिस्काउंट पे आप अपने लोन को ख़त्म कर सकते हो। अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से अगर लोन लिया है, अब आप उसकी किस्तें नहीं चुका पा रहे, कोई भी अनसिक्योर लोन है जिसकी किस्त अब आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो अब आरबीआई के मदद से आप इसको 75% डिस्काउंट पे सेटल करवा सकते हैं। काफ़ी पुराना लोन है, कुछ ऐसे लोन हैं जो काफ़ी सालों से पड़े हुए हैं, उनका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, बैंक के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है। अब बैंक ऐसे लोन को ज़्यादा से ज़्यादा 75% तक डिस्काउंट कर सकता है और आपके लोन को सेटल करेगा। और ये सूचना सीधे आरबीआई की तरफ से आ रही है। आरबीआई ने कहा है कि लगातार बढ़ रहे बैड लोन के कारण बैंकों के आर्थिक स्थिति पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और कंटिन्यू बैंक में एनपीए और बैड लोन की संख्या बढ़ते जा रही है। इसके निपटारा हेतु कहीं ना कहीं बैंकों को एक असल कदम उठाना पड़ेगा, जहां पे निवेशक जितने भी यहां पे ग्राहक हैं जो इनके निवेशक हैं उन सभी के लिए एक अहम फैसला ज़रूरी था, जहां पे जितने भी बैड लोन हैं और ऐसे लोन हैं जो काफ़ी सालों से नहीं चुकाए जा रहे हैं और उनका सेटलमेंट के लिए बैंक कहीं ना कहीं पूरी तरह से असफल होता है, तो ऐसे लोन को आरबीआई ने कहा है कि 75% तक डिस्काउंट दे के सेटल किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोन आपने देखा होगा, बिजनेस लोन हुआ, क्रेडिट कार्ड का बिल हुआ, पर्सनल लोन हुआ, ऐसे बहुत सारे अनसिक्योर लोन हैं जो कई सालों से बैंक और कस्टमर के बीच में विवाद में फंसे हुए हैं। ना इनका निपटारा हो पाता है, न इसकी कोई सूचना आती है और इसमें कहीं ना कहीं कस्टमर पिसा हुआ है। तो आरबीआई ने यह स्पष्ट किया कि अगर आपका भी लोन है जो कई सालों से फंसा हुआ है तो आप अपने लोन को 75% तक माफ़ कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देते हुए हम बताते हैं कि आरबीआई पिछले कुछ दिनों से लोन पे कुछ अब नरम होते जा रहा है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो सेटलमेंट कराने की सोच रहे थे उनके लिए बहुत अच्छे दिन हैं और आरबीआई ने इस कानून में बहुत ज़्यादा ढिलाई भी किया है। जैसे कि आपको पहले ही पता था कि आरबीआई बोल रहा था पहले से कि जितने भी पुराने लोन हैं उसको समझौता किए जाए और समझौता के तहत कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, पर कॉम्प्रोमाइज़ में आरबीआई ने क्लियर नहीं किया था कि कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट में कितना हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। हम लोग एक अनुमान लगा रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट 50% तक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, पर आरबीआई ने अब स्पष्ट किया है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ 75% तक किया जाएगा। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो 10 साल से ज़्यादा बैंक में पड़े हुए हैं और उनका सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे पुराने लोन को ये 75% तक ले जाके यहाँ पे सेटल कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को और कहीं ना कहीं बैंक को भी फ़ायदा मिले। आज के डेट में आपने देखा होगा कि आरबीआई ने 138 पे भी बोला था कि 138 जैसे केस कर देने के बाद कहीं ना कहीं जो लोन रिकवरी का जो प्रोसीजर है उसमें भी बहुत ज़्यादा बाधा आती है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने ये भी कहा है कि कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले हम लोग कस्टमर के साथ समझौता करें और समझौता के साथ उस लोन की रिकवरी करें। आरबीआई ने यहाँ पे लोन रिकवरी और लोन सेटलमेंट पे कुछ बातें बताई थी, मैं जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि भविष्य में कभी भी आपको भी अगर लोन सेटलमेंट और लोन रिकवरी का ये परेशानी हो रहा है तो आपको भी इससे फ़ायदा हो। सबसे पहली बात, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपको बैंक ईएमआई से कोई परेशानी आ रही है, बैंक का कोई भी लीगल नोटिस आ रहा है, आपको समझ में नहीं आता कि बैंक से कैसे डील करें, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको एक समय दे दिया जाएगा जिस समय पे आप हमसे बात कर पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं, आरबीआई ने जो सबसे पहला जो कदम उठाया था वो रिकवरी एजेंट पे बताया था। रिकवरी एजेंट के बारे में उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अभी हाल फिलहाल के दिनों में किसी को परेशान करता है तो उनके लिए गाइडलाइन जारी है कि कोई भी रिकवरी एजेंट को सबसे पहले ये सूचना देना पड़ेगा व्हाट्सएप पे कि ये रिकवरी एजेंट आ रहे हैं और इस नाम से आ रहे हैं, और बैंक को ये पूरी जानकारी कस्टमर को देनी पड़ेगी। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट इसके बावजूद अगर आपके घर पे आता है और बदतमीजी करता है तो आपके पास उसकी पूरी जानकारी होगी, जिसके बाद आप उनके ऊपर शिकायत भी कर सकते हैं। आरबीआई ने दूसरी बात ये कही थी कि कहीं ना कहीं जो लोन है जो काफ़ी समय से पड़े हुए हैं, ना उनका सेटलमेंट हो रहा है ना उनका निपटारा हो रहा है, ऐसे लोन को कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट के थ्रू यहाँ कहीं ना कहीं हल करने की बात कही गई थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जो लीगल एक्शन लिए जाते हैं
जहां पे बैंक कस्टमर को फ्रॉड घोषित करता है और उनको विलफुल डिफॉल्टर बताता है, और 420C का केस होता है, 138 का केस होता है। ऐसे केस को थोड़ा सा दरकिनार करके कस्टमर से समझौता करके ही लोन का निपटारा किया जाए। और उसके बाद यहाँ ने RBI ने अब ये कर दिया है कि कहीं ना कहीं 75% तक यहाँ पे बैंक अपने कस्टमर को फ़ायदे दे सकता है, 75% तक यहाँ पे लोन में रियायत मिल सकता है, जिसके बाद यहाँ पे कस्टमर के लिए भी EMI देना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि अगर RBI आपको 75% डिस्काउंट देता है तो क्या आप अपने लोन को भरपाई कर पाओगे? जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आपका लोन में कहाँ कहाँ समस्या है, आप किस क्षेत्र से हैं, उसकी पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका जो भी लोन के रिगार्डिंग समस्या है कमेंट करें। और जितने लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे एक नंबर है, एक पेड सर्विस है, यहाँ पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद आप हमसे बात कर पाएंगे। आज के वीडियो को इतना ही पे विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।